जिस तरह से हम लोग एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जैसे दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, ये एक विषय है। दूसरा विषय है कि कल इसी का प्रतिवाद करने के लिए पूरा छात्र समाज, युवा समाज एकत्रित होकर नवान्नों घेराव करने, नवान्नों में अपना बात रखने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन इतना तानाशाही बंगाल में चल रही है, इतना तानाशाह शासन चल रहा है ममता बनर्जी की,
कि वो खुद पुलिस मंत्री है, खुद स्वास्थ्य मंत्री है और खुद मुख्यमंत्री भी है। सब कुछ खुद रहते हुए भी ना पुलिस प्रशासन यहाँ कोई काम कर रही है, ना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, खुद आधिकारिक लोग का धर्षण हो जाता है और वो चुप रहती है। महिलाओं का धर्षण होता है, वो चुप रहती है। हम लोग, ये पहली बार घटना नहीं है, ये जब से वो शपथ लेके मुख्यमंत्री बंगाल की बनी है तब से ये अराजकता चल रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ओर से एक ही दावी करते हैं, अगर एक महिला मुख्यमंत्री होके महिलाओं का इज्जत नहीं बचा सकती है तो उनको उनके पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे और अपना पद छोड़े। अगर वो पद त्याग नहीं करती है तो ये बंगाल बंद तो एक झोंका है, एक नजारा है, जस्ट ट्रेलर है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन और तीव्र रूप पकड़ेगी, तब ममता बनर्जी कैसे बंगाल की कुर्सी पर बेबी कॉल लगा के बैठी रहती है ये भी हम लोग देखेंगे, बंगाल की माँ बहन देखेंगे, बंगाल की जनता देखेंगे। तो बंद का कितना समय आपको ये देखिए, बंद क्या है आप लोगों के नजर के सामने, सारे दुकान बंद है, बस चल नहीं रही है। सारे जो दुकानदार हैं वो अपने से इस बंद का समर्थन किए हैं क्योंकि सब जानते हैं कि सबके घर में माँ बेटी है और पुलिस तृणमूल के गुंडे कैडर खड़ा होके खाली बस को रन करवाने की कोशिश कर रही है। बस में कोई यात्री नहीं है, फाका बस चलाने की कोशिश की जा रही है। बंद पूर्णतः सार्थक है और बंद बस भी चलना बंद हो गया, अर्थात बंद पूरी तरह से जन समर्थन से सार्थक है। और ये बंद सार्थक है इसीलिए क्योंकि अब ममता बनर्जी का विदाई का घंटा बज चुका है, उनका जाना तय हो चुका है। धब्बा एक आज क्या लेके आप आज किस समर्थन बंद है? बस सब बंद चल रही है, बस कोई बंद नहीं है, सब बस चल रही है, बड़ी बस, मिनी बस, ऑटो, टोटो, बाजार पर सब खुला हुआ, कोई बंद बोल के कुछ नहीं है। बीजेपी बोल के कोई राजनीतिक दल है पश्चिम बंगाल की जनता जानती नहीं है, भूल चुकी है, क्योंकि लोकसभा निर्वाचन, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत निर्वाचन में बीजेपी का जो हश्र हुआ, इतना बुरा हाल हुआ है, अगर उन लोगों को जरा से भी शर्म है अगर आंख में तो उनको सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम को का सफाया कर चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी किस अवस्था पर पहुंच गई आप जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को प्रत्याख्यान किया है, उसको नकारा है। आज जो बीजेपी की सरकार है अल्पमत में समझी है, किसी भी समय सरकार गिर जाएगी। बीजेपी का एक ही काम है, पूंजीपतियों के साथ दलाली करना, महंगाई बढ़ाना, लोगों का रोजगार छीनना, यही उसका काम। तो आज बंद क्या कि वो लोग बुलाए था? कोई बंद नहीं, कहाँ बंद है, कहाँ बंद है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, स्कूल वाले सब खुले हैं, बसें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कहाँ बंद, कहाँ है कोई बीजेपी का नेता? हिम्मत है तो आए सामने, पश्चिम बंगाल की जनता ही उसको जवाब दे देगी। आपका नाम? राजू अलवाले, आईएनपीटीसी नेता। गाड़ी को लो, बड़ा बड़ा कर।